मम्मा मम्मा। हाँ जी। भूख लग रही है। बस तेरा तो यही काम है, सुबह खाया ऊपर चढ़ गया, फिर आया फिर खाया फिर ऊपर चढ़ गया सोने के लिए। अच्छा अब रोटी, भूख लग रही है, कुछ बना पड़ा है? यार रोटी बनी पई है डब्बे च, डफला जाके। यार अच्छा ठीक है। सब्जी क्या है? आलू मटर। वही सुबह वाला आलू मटर। और पनीर तेरे को क्या क्या बना के दूं मैं? अच्छा पनीर पड़ा है, उसको हाथ भी मत लगाना, वो रात के लिए है। मैं तो बना रहा हूँ। मैं हूँ जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। अभी जो वीडियो से पहले आए, इस वाली वीडियो से पहले आया, वो है मम्मी और मेरे बीच में छोटी सी नोक जो, वो बस हमने फन एलिमेंट के लिए डाला है। वैसे मम्मा ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब भी मैं बोलता हूँ ना कि मम्मा कुछ खाने का मन कर रहा है, मम्मा उठतियाँ झटपट तैयार कर देती हैं। अब मैं उनको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं देता, बट ये वीडियो इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो वीडियो हमने बनाई है ना, ये गलती से ब्लर हो गई है और मुझे कैमराज के बारे में ज़्यादा पता नहीं, जितना पता था उस हिसाब से मैंने रिकॉर्ड कर दिया एंड ब्लर वीडियो आई। तो प्लीज़ ये ब्लर वीडियो को इग्नोर करते हुए आप डिश पे कॉन्सेंट्रेट करें। डिश बहुत ही ब्यूटीफुल है, वीडियो ब्लर हो सकती है बट डिश बहुत ब्यूटीफुल है, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। थैंक यू। नाउ कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। तो क्या आप उन्हीं बच्चों में से हैं जो लॉकडाउन में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं? क्या आप उन्हीं बच्चों में से हैं जो नॉर्मल रोटी सब्जी खा के बोर हो चुके हैं? तो जुड़े रहें और ये वीडियो दिखाएं अपनी मम्मी को ताकि वो आपको ये बना के खिलाए। तो अब मेरे क्वेश्चन मम्मी से, तो क्या आप उन्हीं मम्मीज में से हो जो अपने बच्चों को पौष्टिक खाना देना चाहते हो? तो गेट रेडी टू गिव देम सम हेल्दी मील इन एन इनोवेटिव वे। अब हम बनाने जा रहे हैं लेफ्ट ओवर रोटी से लज़ानिया। लज़ानिया बनाने के लिए 20 सेकेंड वेट करना पड़ेगा और आपको अपनी मम्मीज को फोर्स करना पड़ेगा कि ये बनाएं और आपको खिलाएं। मैं कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया चीज़ है और आपकी लेफ्ट ओवर सब्जी भी यूज़ हो जाएगी। लेफ्ट ओवर सब्जी, लेफ्ट ओवर रोटी सब यूज़ होंगे, टेंशन क्यों लेनी। 20 सेकेंड वेट करो और 20 सेकेंड के बाद मिलो, बट 20 सेकेंड के दौरान सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम यहाँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। आप भी कर लीजिए जल्दी जल्दी। तो शुरू करना है हमने अपना लेफ्ट ओवर रोटी लज़ानिया। अब लेफ्ट ओवर रोटी भी यूज करेंगे एंड लेफ्ट ओवर सब्जी भी। तो लज़ानिया बनाने के लिए पहले तो सत श्री अकाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। एंड बापा जी का लाख लाख शुक्र है, आपका दोबारा मिल रहे हैं। तो अब हम शुरू करेंगे लज़ानिया लेफ्ट ओवर रोटी के साथ। तो लेफ्ट ओवर रोटी के लिए पहले मैंने डब्बा निकाल लिया जिसमें रोटियां पड़ी हैं, ठीक है जी। अब हम पहले तो बनाएंगे एक मसाला, मतलब चौक मसाला टाइप, और उसकी सब्जी भी बना लेंगे क्योंकि पनीर था रात के लिए, रात की रोटी के लिए। तो मैं मम्मी को पनीर की सब्जी भी बना दूंगा, अपना चौक मसाला भी बना लूंगा, एक पंथ दो काज। और उसके बाद मेरे पास पड़ी है, कहाँ गई सब्जी? हाँ ये पड़ी है आलू मटर की सब्जी, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको ये। हाँ ये दिखी आपको आलू मटर की सब्जी भी पड़ी है। तो अब हमने बनानी है लेयर्स, एक में डलेगी आलू मटर की सब्जी विथ क्रीमी सॉस एंड एक में डलेगी स्पाइसी पनीर की सब्जी, स्पाइसी पनीर का मसाला, और फिर उसको बाद लेयर करके रोटियों के बीच फिर चीज़ डाल के हम बेक करेंगे। और बेक करेंगे पैन में, कोई ओवन की जरूरत नहीं है और कोई ओवन कढ़ाई में नहीं बनाना, इतनी इजी रेसिपी दे रहा हूँ। शुरू करते हैं, पहले मैंने बकवास आज बहुत मार लिया है। हमारे पास ये हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन पड़े हैं। अब इनको काटने के दो तरीके होते हैं, या तो चॉपिंग बोर्ड लूँ या फिर नॉर्मल चाकू से काट लूँ, या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वाला वे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के लिए सारी चीज़ें पहले तो आप हाथ में उठा लें, ठीक है, उसके बाद
थाली में फेंक दें। और ये थाली में फेंक दी कट के। चलो अब ना पैन के नीचे लगाते हैं आग और पैन में तेल। घी डालना चाहें घी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि चॉप मसाला बनना है। चॉप मसाले के लिए जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसमें डाल देंगे हम जीरा। ऑयल हो चुका है गर्म, उसमें जाएगा जीरा। देखो जैसे अब ये क्रैकल कर रहा है ना, ऐसा गर्म होना चाहिए ऑयल। अब इसमें जाएगा अनियन का पेस्ट। अब अनियन जल्दी ब्राउन हो जाए इसके लिए थोड़ा सा नमक। वैसे मैंने अनियन पेस्ट करते हुए, अनियन की प्यूरी करते हुए मैंने कोई पानी नहीं डाला है, इसीलिए जो अनियन का पानी है वो ही है इसमें और वो जल्दी सूख भी जाएगा। अगर मैं कोई पानी डालता तो मुझे वो भी सुखाना पड़ता, इसीलिए अनियन पेस्ट करते हुए जब प्यूरी करते हुए जितना कम पानी डालेंगे ना उतना बेहतर है। हाँ जी, अब ये जो स्टेज है ना जहाँ पे पानी सूख चुका है प्याज का, उस स्टेज पे हिलाना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं हिलाएंगे ना ये अपने प्याज को तो वो नीचे लगने लग जाएगा। पानी सारा सूख चुका है और ये आप देखेंगे तो ये पैन की साइड भी छोड़ने लग जाए। अब इसको हिला हिला के भून भून के ब्राउन करना है, तो इसमें टाइम जरूर लगेगा, 4-5 मिनट जरूर लगेंगे, बट टेस्ट वुड बी अमेजिंग, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। काम ऑन कर सकते हैं हम साथ में, हम एक सॉस पैन में साथ ही साथ पानी उबलने कर देंगे। अब इससे क्या हुआ ना, जो पानी है वो उबलेगा और अगर जैसे हमें जरूरत पड़ती है अपने मसाले में पानी डालने की तो हम ये उबलता हुआ पानी डालेंगे और उससे वो जो उबलता हुआ पानी तब जाएगा तो वो किसी चीज़ की कुकिंग रोकेगा नहीं, चलते रहने देगा। और थोड़ा पानी जाने से मतलब टेम्परेचर नीचे आएगा बट इतना नहीं कि कुकिंग रुक जाए। अब जैसे ही मसाला हल्का हल्का ब्राउन होने लगेगा हम इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक और ग्रीन चिली। इस स्टेज पे इसलिए डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर आए और बाइट भी आए। अगर हम पहले डाल देंगे ना तो अदरक लहसुन और ग्रीन चिली जलने लग जाएगा। अदरक लहसुन और ग्रीन चिली डाल के पकाते हुए 3-4 मिनट हो गए, अब मसाले डालेंगे थोड़ी सी हल्की बिल्कुल ना हल्की और लाल मिर्च पूरा टोक के 1 बड़े चम्मच के करीब। अब इसको पका लेंगे। अब आप जैसे देख रहे हैं मसाला थोड़ा सूखा सूखा हो चुका है, जैसे ही मसाले पकने की खुशबू आने लग जाए उबलता हुआ पानी, अब ये जो अनियन का पेस्ट है ये मिक्स कर लेंगे इसके साथ। पानी को कर देते हैं बंद और मसाले को थोड़ी देर और भूनेंगे। मसाला भूनने से ही फ्लेवर आएगा, तो मसाले को भूनते रहें वरना फ्लेवर नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दूँ। मसाले में ना ऑयल साइड साइड में लगने लग गया, दिखने लग गया, तो इस स्टेज में ना आप डालेंगे अपनी टमाटो प्यूरी। ये मैंने 2 टमाटर पीस लिए थे, अगर आप चाहें थोड़ी खटास बढ़ाना चाहें तो 3 कर सकते हैं टमाटर को, उससे ज़्यादा नहीं। 2 प्याज के लिए 2 टमाटर बहुत। और इसको अब चला लेंगे। अब आपको पता है जब भी मैं टमाटर डाल देता हूँ, टमाटर डालने के बाद ना मैं उसके अंदर डाल देता हूँ सॉल्ट, ताकि टमाटर की कुकिंग जल्दी हो जाए, तेज हो जाए। तो सॉल्ट 2 टेस्ट। अब ये एक बारी इसको मिक्स करके इसको ढक के पकाएं। अब जब तक ये ढक के पक रहा है इसको लगेंगे 5-6 मिनट, तब तक हम अपनी आलू मटर की सब्जी ले लेंगे। मैंने आपको बताया लेफ्ट ओवर सब्जी भी यूज करना सिखाऊंगा मैं, एंड मेयोनेज ले लेंगे। मेयोनेज एक्चुअली इसके अंदर दो क्रीमीनेस भी दे देगा और वो रसाइयत भी दे देगा, तो हमें व्हाइट सॉस बनाने की जरूरत नहीं है। सब सिंपल सिंपल बता दो, अगर आपके पास मेयोनेज नहीं है तो आप क्रीम डाल सकते हैं। तो सब्जी को हल्का हल्का मैश कर देता हूँ। अब जैसे ही सब्जी मैश हो गई है इसमें जाएगी मेयोनेज और हल्दी। मेयोनेज डालने के बाद मिक्स कर दिया है। एक क्रीमी सॉस हमारा तैयार है, मतलब क्रीमी सब्जी तैयार है, दूसरी स्पाइसी सब्जी तैयार हो रही है। उसके बाद असेंबली करेंगे, तब तक चीज़ ग्रेट कर लेते हैं। मैं लेता हूँ ये अमूल का चीज़। तो जी चीज़ कर लिया हमने ग्रेट, लंबे लंबे लच्छे बनाने हैं, मतलब लंबा लंबा खींचना है तभी अच्छा टेक्स्चर आएगा। और अगर आपको वो ब्राउनिंग चाहिए ना चीज़ पे तो मोज़रेला में थोड़ा सा चेडर आप ऐड कर सकते हैं, येलो चेडर से वो ब्राउनिंग आ जाती है। तो सब्जी का हाल दिखाने के लिए सब्जी वाला पैन हो गया। ओए 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 ओए, बढ़िया बन चुकी है।
अब देखो हमने लज़ानिया बनाना है, लज़ानिया में लेयरिंग करनी है, मतलब एक तो हमारे पास क्रीमी आलू मटर की सब्जी है, दूसरी हमारे पास स्पाइसी पनीर की सब्जी है। अब पनीर हमने डालना है ग्रेट करके या फिर आप हाथ से मैश करके डाल सकते हैं, मतलब बेसिकली आपने पनीर की भुर्जी टाइप बनानी है, ठीक है। अगर आप स्लाइसेस रखना चाहें मसाले के साथ तो आप स्लाइसेस रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट मैं अभी इसमें से थोड़ा सा मसाला निकाल दूंगा, और मैं क्यों निकाल रहा हूँ थोड़ा सा मसाला, अभी आपको 2 मिनट में बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप लेयरिंग करते हैं लज़ानिया की, तो नीचे आपको थोड़ा मसाला थोड़ा सॉस मिलाना पड़ता है, ताकि वो सॉस ना मतलब काइंड ऑफ अपने लज़ानिया शीट या रोटी को उसको सड़ने मतलब सड़ने ना दे, वॉटरी रहे नीचे से, तो वो सड़े ना हमारी रोटी। अब ये मैश कर देंगे हम पनीर, अब ये हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसको बंद करते हैं, इसको ढक देते हैं, और हम अपने लज़ानिया की तैयारी करते हैं। बट ये मसाला पूरा रेडी नहीं है, मसाले में जाएगी फ्रेशनेस विद हरा धनिया, हरा धनिया मैंने काट के धो रखा है। अब इसको देंगे मिक्स, अब लज़ानिया लेयर करने के लिए सबसे पहले पैन में मसाला जो हमने निकाला था थोड़ा सा साइड में से, अभी पैन के नीचे मैंने आग नहीं लगाई है, जब हम लेयर कर देंगे ना तब लगाएंगे आग। अब जैसे एक रोटी रखी उसके ऊपर अब नीचे टमाटो का मसाला है, तो ऊपर क्रीमी सब्जी रहेगी। अब इस सब्जी में हमने मेयोनेज डाल रखी है, जो चीज डालने की जरूरत नहीं है, दूसरी लेयर लगाते हैं, दूसरी लेयर रखेंगे उस पे अपनी पनीर की सब्जी। थोड़ा सा ग्रेटेड चीज, अब दूसरी रोटी मतलब तीसरी रोटी इसको प्रेस करनी है, ऐसे कर करके आपने लेयरिंग करनी है। क्लोजअप्स में देख लो मैं बार बार मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूं। सारी लेयर्स लगी हैं, अब लास्ट लेयर के ऊपर ये जो मसाला बचा था वही मसाला लास्ट लेयर के ऊपर, चीज भर भर के हमने इसको ढक के स्लो में पकाएंगे। ढकने के बाद हम गैस चालू करेंगे, ये ढक दिया, अब गैस चालू कर देंगे। तो जी हमारा चीज ग्रेटिनेट हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मेल्ट हो चुका है हमारा ये लज़ानिया भी डन है। अब इसको करते हैं प्लेट, और मिलते हैं प्लेटिंग के बाद और टेस्टिंग पे मिलते हैं जब दादू को टेस्ट कराएंगे। तो जी जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, दिस ब्यूटी इज अमेजिंग, एंड दादू ने अप्रूव भी कर दिया, दादू को अच्छी लगी है। आप जल्दी जल्दी बनाइए और अपने बच्चों को सरप्राइज कीजिए कि रोटी और सब्जी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है। उनको सारे न्यूट्रिशन दीजिए और उसके बाद ट्राई करने के बाद फोटो फेसबुक पेज पे, वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।